सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल टेक्निकल गुरु चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मोबाइल टेक्निकल गुरु में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लेनोवो A6020A46 में यदि PCB 60 है तो उसे कैसे ठीक करेंगे, या मोबाइल डेड है PCB 60 है तो उसे कैसे आप ठीक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेनोवो का मॉडल है, लेनोवो A6020A46। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये PCB जो है पूरी तरीके से 60 हो चुका है, मोबाइल डेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम आपको जूम करके यहाँ पे दिखा देते हैं। ये मल्टीमीटर कंटिन्यूटी रेंज में रखते हैं और यहाँ पे प्लस माइनस पे जब रखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्लेट 60 है। आपको बीप की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, यहाँ पे मीटर रीडिंग भी आपको शो कर रहा है। दोनों साइड से जो प्लस और माइनस है वो आपस में 60 है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको PCB 60 रिमूव करके दिखाएंगे, इस सेट को चालू करके दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम मोबाइल का जो बैक कवर है इसे हम खोल लेते हैं। यहाँ पे स्क्रू खोल लिए हैं ताकि आपको कम समय में इस वीडियो में आपको बता सकें। सबसे पहले हम PCB का जो बैक कवर है इसे हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जब ये ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है ध्यान से देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हम आपको डायरेक्ट यहाँ पे आपको PCB का जो सेटिंग है वो डायरेक्ट कंपोनेंट रिमूव करने के माध्यम से आपको बताएंगे कैसे ठीक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो डाईबोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये जो डाईबोर्ड लगा हुआ है सबसे पहले आप इसे रिमूव करिएगा। ठीक है, ठीक यहाँ पे देख सकते हैं, इस डाईबोर्ड को आप रिमूव करिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे इस डाईबोर्ड को रिमूव करके आपको सेटिंग चेक कराते हैं। यहाँ पे ये जो डाईबोर्ड दिखाई दे रहा है इसे हम रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने डाईबोर्ड को रिमूव कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आपको जूम करके दिखा देते हैं, ये जो डाईबोर्ड था ये रिमूव हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आपको चेक करके दिखा देते हैं मल्टीमीटर से कि ये जो प्लेट है वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा से कंटिन्यूटी रेंज में इस मीटर को रख लेते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कोई बीप की आवाज़ नहीं है, जो मोबाइल की स्टार्टिंग है वो हट चुका है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड से चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी बीप की आवाज़ नहीं सुनाई देगा। ठीक है, यदि इस कंपोनेंट को रिमूव करने के बाद भी आपका सेटिंग नहीं हटता है, मोबाइल नहीं चालू होता है, तो आपको क्या करना है। इसके बगल में ये जो फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ पे ये जो फ्यूज लगा हुआ है इसे आप रिमूव करेंगे। यदि इसके बाद भी नहीं होता है तो आप इस वाले कंपोनेंट को रिमूव करेंगे। यदि इसे रिमूव करने के बाद नहीं होता है तो आप इसे रिमूव कर देंगे। ठीक है, यदि इसके बाद नहीं आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है, PCB स्टार्टिंग नहीं हटता है, तो आपको क्या करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये दो कंपोनेंट लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे दो कंपोनेंट लगे हुए हैं, इस दोनों कंपोनेंट को आप रिमूव करके स्टार्टिंग को हटा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये दोनों कंपोनेंट को आप रिमूव करके स्टार्टिंग हटा सकते हैं। यदि इसके बाद भी नहीं होता है तो आप इसे रिमूव करके, आप ये वाला जो कंपोनेंट लगा हुआ है इसे रिमूव करके आप PCB स्टार्टिंग को हटा सकते हैं, डेड मोबाइल की जो प्रॉब्लम है उस समस्या को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो हम ये कंपोनेंट रिमूव किए हैं, अब मेरा जो PCB है वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। तो सबसे पहले हम मोबाइल को चालू करके यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये मोबाइल जो है कि ठीक हो चुका है। दोस्तों यदि हम आपको मल्टीमीटर से एक एक कंपोनेंट पे चेक कराएंगे तो वीडियो बहुत शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट आपको कंपोनेंट चेक करके डायरेक्ट कंपोनेंट को रिमूव करने का तरीका बता दिया है। आप इस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन को
ठीक कर सकते हैं, पहले जैसा बना सकते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का आइकन है उसे आप दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले जाए। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।